अब ठीक है ना? अब ठीक दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट में बस ये लिंक जरा आप लोगों को और पहुंचा दूं कुछ जगह। अभी क्लियर दिखाई दे रहा होगा ये मेरे ख्याल से, है ना? बोर्ड भी क्लियर आ रहा होगा। चलिए, मैं डिस्कशन कर रहा था चोटों के बारे में, इंजन के बारे में थोड़ा सा। अभी ठीक है मेरे ख्याल से ये। वॉइस भी सही आ रही है, आवाज आ रही होगी पूरी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है, हमिंग साउंड वगैरह तो नहीं इसमें। चलिए, हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स इंजरी में, है ना, कि कितने प्रकार की स्पोर्ट्स इंजरी होती है। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म अगर बात करें, है ना, कि चोट लगने का जो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी एक्यूट इंजरी और दूसरी होती है हमारी ओवर यूज इंजरी। ठीक है, एक्यूट कौन सी होती है? जो त्वरित चोट होती है हमारी। ठीक है, और इसमें जो है एक्यूट में हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं इसको, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, है ना। एक्यूट कहते हैं घाव, ताजी चोट है, और अगर यही चोट अगर हम इसको केयर ना करें इसकी, तो ये क्रोनिक इंजरीज में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। ठीक है, और सेम कंडीशन दूसरी तरफ जो हमारी चोट है मैकेनिज्म अकॉर्डिंग, वो है हमारी ओवर यूज इंजरी। ओवर यूज इंजरी कौन सी होती है? जिसको मांसपेशी को, बोन को अगर ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, ये तीन चार यूज करने के आधार पर तीन चार तरह की अलग अलग होती है। एक होता है एब्यूज, एब्यूज एक होता है मिसयूज, और एक होता है ओवर यूज। तीन प्रकार की जो है यूज करने के आधार पर चोटें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है एब्यूज का मतलब होता है कि गलत, मतलब उसका यूज ही नहीं करना। किसी भी एक्टिविटी है, जो भी हम मांसपेशी है, बॉडी पार्ट्स है, उसका अगर हम यूज ही ना करें तो भी वो इंजरी होने की संभावना उससे पूरी है, इंजरी हो जाती है। और दूसरा होता है मिसयूज, मतलब गलत तरीके से यूज करना। ठीक है, गलत तरीके से यूज करना, यानी कि आप उसके जो है जिस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो सकता है, जिस डायरेक्शन में उसके आपकी जो है मकैनिज्म होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, उस डायरेक्शन में मूवमेंट ना करके हम दूसरे एंगल पर, दूसरे मकैनिज्म में अगर उसको हम मूवमेंट कराते हैं, है ना। जैसे आप बाइसेप्स कर्लिंग कर रहे हैं, बाइसेप्स कर्लिंग में आपके हाथ जो है सीधे रहने चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप अगर थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब करते हैं, आगे पीछे ले जाते हैं, तो चोट लगने की संभावना पूरी होती है। तो ये हमारी है मिस यूज। फिर आता है हमारा ओवर यूज। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस यूज कर लें, एक्सेसिव यूज करें, तब भी वो हमें चोट लगने की संभावना होती है, ये हमारी क्या आती है? ओवर यूज इंजरी होती है। ठीक है, अब ओवर यूज इंजरी को अगर हम बहुत समय तक अगर ओवरलुक करते रहें, उसकी केयर ना करें, और बार बार इंजरी हो जाए, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी हो जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो है क्रोनिक इंजरी बन जाती है, घातक इंजरी बन जाती है। क्रोनिक इंजरी जो है एक उस पार्ट, बॉडी पार्ट्स को खराब कर सकती है। ठीक है, अब एक्यूट इंजरी को ही अगर हम डिस्कशन करते हैं, एक्यूट मतलब ताजी चोटें लग सकती हैं,
ताजी चोटें भी दो प्रकार से लगती है, एक तो डायरेक्ट लगती है और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट हिटिंग मतलब बैट से लग जाना है और स्टिक से लग जाना, ठीक है, या फिर जो है किसी भी चीज के हिटिंग करने से अगर लगती है तो वो हमारी डायरेक्ट इंजरी है। ठीक है, और अगर इनडायरेक्ट इंजरी की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट इंजरी में वो चीजें होती हैं जिसमें डायरेक्टली जो है चोट नहीं लगती है ना। सपोज करिए आपने किक मारा और किक मारते समय आप जो है फिसल गए, ठीक है, बट चोट तो आपके लगेगी फिसलने से, भले ही वो एब्रेशन हो, तो दैट इज द इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी कि आपका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था लेकिन चोट उसमें थी। ठीक है, अब अगर हम फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें है ना, चोट लगने के कारक जो है ना उनके अकॉर्डिंग देखें तो दो प्रकार की इंजरी है, एक तो इंट्रेंसिक और दूसरी एक्सट्रेंसिक। कारण कैसे होते हैं, अंतः कारण हो सकते हैं, और जो जिस कारण से बॉडी में चोट लग रही है तो उसके जो कारण है वो बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है, और बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, एक्सट्रेंसिक भी हो सकते हैं, इंट्रेंसिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रेंसिक भी हो सकते हैं, दोनों ही कॉज हमारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे इंट्रेंसिक फैक्टर हैं उनमें कौन कौन से शामिल होते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे जो पहला कॉज है दैट इज द एज, दिखाई दे रहा आप लोगों को क्लियर, एज है ना। एज में क्या होता है, बच्चा है तो चोटें कैसी लगेंगी, अडल्ट है तो कैसी चोटें लगेंगी, एडोलेसेंट है, किशोर है तो चोटें कैसी लगेंगी, और मास्टर्स है, वेटरन्स है यानी कि वो गुजर गए तो उसकी चोटें कैसी लगेंगी। मोस्टली चोटों पे डिपेंड करता है, बच्चों में जो चोटें लगती हैं वो बड़ों में या बच्चों जो है बुजुर्गों में नहीं लग सकती, जो बुजुर्गों में लगती हैं वो बच्चों में ही होती हैं। क्योंकि अगर फ्रैक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर बहुत ही आम चीज है, अगर हम अडल्ट और मास्टर्स में देखें तो वही सेम कंडीशन में, क्योंकि चाइल्डों में हड्डियां जो कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, मुलायम हड्डियों की वजह से क्या होता है वो जो है फ्रैक्चर होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, ये तो हुआ एज का फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर ही है एज, ये जो फैक्टर है वो इंट्रेंसिक है, शरीर के अंदर का ही फैक्टर है। दूसरी वजह है उसकी फिजियोलॉजी, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है उसकी पर्टिकुलरली अपने एक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, सबसे पहले फ्लेक्सीबिलिटी है ना, अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी है ना, चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी है ना। इम्बेलेंस है ना, मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, अनकोऑर्डिनेटेड है ना, तो भी मांस जो है संभावना बढ़ जाएगी। फटीक है, थकावट है, अगर कोई खिलाड़ी थका हुआ है ना, तो थकान क्या है, एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है चोटें लगती हैं, तो ये भी कॉज हमारा कैसा होगा, इंट्रेंसिक ही होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी है, मांसपेशियां तो ठीक है लेकिन उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितनी ज्यादा होनी चाहिए। सपोज दैट कोई खिलाड़ी है, कोई वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी है, वो अपनी लिमिट से अपनी क्षमता से ज्यादा वेट उठाने का प्रयास करता है तो उसकी इंजरी होगी, उसकी वजह क्या होगी, मांसपेशियों की वीकनेस, वो इतना पावरफुल नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा जो कॉज है दैट इज द एनाटॉमी है ना, शरीर की हमारी एनाटॉमी भी जो है इंट्रेंसिक फैक्टर है इस चोट को लगाने में। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, साइज। ठीक है, साइज क्या है, बॉडी का साइज कम है, छोटा है, बड़ा है। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग भी चोटें लगती हैं। ठीक है, अगर किसी की लंबाई ज्यादा है, हड्डियां लंबी हैं, तो मे बी पॉसिबल है कि उसकी हड्डियां लंबी होने की वजह से कमजोर हो जाएंगी और उसमें फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। ठीक है, या बॉडी का कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन मतलब फैट की परसेंटेज अगर ज्यादा है किसी में है ना, यानी कि फैट परसेंटेज ज्यादा होगी तो उसकी बॉडी जो हैवी होगी, हैवी होगी तो उसमें भी इंजरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। या फिर बॉडी कंपोजिशन की में जो है कमी आ जाए, कमी का मतलब जो है कि उसमें जो है फैट परसेंटेज कम हो जाए, फैट परसेंटेज कम होगा तो फ्रैक्शन की वजह से बहुत सारी जॉइंट इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा बायोमैकेनिक्स है ना, बायोमैकेनिक्स भी एक हमारा एनाटॉमी का ही फैक्टर है, इसमें मूवमेंट है ना, मूवमेंट में जैसे कि कोई भी मूवमेंट हम जैसे करें कोई पर्टिकुलरली, उसकी वजह से भी इंजरी संभावना हो सकती है बायोमैकेनिक्स की वजह से है ना। एंगल ऑफ पुल है, बायोमैकेनिकल फैक्टर है, अगर गलत डायरेक्शन में अगर आप उसको पुल करेंगे, फोर्स करेंगे, लगाएंगे तो चोट लगने की संभावना पूरी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, फ्रिक्शन है। ठीक है, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें इंजरी दे सकती हैं। ये सभी जो हैं फैक्टर हैं ये कैसे हैं, हमारे इंट्रेंसिक फैक्टर हैं, ये फैक्टर हमारी बॉडी में ही पाए जाते हैं ना, अकॉर्डिंग टू फैक्टर। तो फैक्टरों
के अकॉर्डिंग, इन फैक्टरों के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो चोटें हैं वो इंट्रेंसिक हो सकती हैं। अब दूसरा इसका वो है, दैट इज द एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक चोटें कौन सी होती है हमारी, है ना, जिनका कॉज बाहर हो, यानी कि बाहर की कारणों से लगने वाली चोटें हमारी एक्सट्रेंसिक चोटें हैं। तो इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। नंबर वन, पहला नंबर हमारा क्या है, ट्रेनिंग फैक्टर, ट्रेनिंग एरर। ट्रेनिंग फैक्टर क्या था है, ट्रेनिंग एरर, है ना, यानी कि गलत तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, है ना, या आपको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिले, है ना, या एक्सेसिव ट्रेनिंग हो जाए, है ना, ये भी डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर लिए तब भी इंजरी हो सकती है, ठीक है, या गलत टेक्निक आपको सिखा दिया उससे भी इंजरी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपने जो है पर्टिकुलरली उस ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं पॉज नहीं दिया है ना, विदाउट ट्रेनिंग पॉज अगर भी आप ट्रेनिंग करते जाते हैं तब भी आपको इंजरी होने की संभावना हो सकती है। पॉज का मतलब है प्रॉपर जो है गैप नहीं है, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हैं आप, उस कंडीशन में भी आप जो है एक्सपेंसिव इंजरी के शिकार हो सकते हैं, बाहर की चोट से चोट लग सकती है ना। और ये सेम कंडीशन ट्रेनिंग एरर जो है, ये जो है हमारे कहीं ना कहीं फटीक से कोरिलेट करता है ना। ट्रेनिंग एरर अगर हमारी मेथोडोलॉजी में है, हमारी ट्रेनिंग में है, तो वो फटीक ज्यादा देगा, फटीक ज्यादा देगा तो मतलब फिजियोलॉजिकली चोट लग सकती है, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा नंबर पर आता हमारा इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट इस प्रकार से डिजाइन होते हैं जिनकी वजह से हमें चोट लगती है। तो ये भी हमारा पर्टिकुलरली कैसा है, दूसरा फैक्टर है हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंजरी का, है ना, एक्सटर्नल इंजरी का ये दूसरा कॉज है इक्विपमेंट्स, है ना, इक्विपमेंट की वजह से चोट लगती है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो सकता हो, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारा टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर भी चोटें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ठंडा अगर मौसम चल रहा है तो चोटें ज्यादा लगेंगी, और गर्म मौसम है चोटें कम लगेंगी, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो वार्म अप है वो अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी है ना। अगर हमें ठंडा मौसम चल रहा है तो हमें वार्म अप ज्यादा करना पड़ेगा, अगर वार्म अप हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं इट मीन्स कहीं ना कहीं ये इंजरी को बुलाएगा, नौता देगा, ठीक है। फिर आता हमारा प्लेइंग सरफेस, ये भी एक एक्सपेंसिव जो है कॉज है ना, किसके लिए, चोटों के लिए, है ना। तो ये मतलब प्लेइंग सरफेस में हार्ड सरफेस है, स्मूदी सरफेस है, या स्लिपरी सरफेस है, किस प्रकार का सरफेस है। हार्ड सरफेस में रोड रनिंग हो रही है, या सीमेंटेड कोई कोट यूज ज्यादा हो रहा है, जाहिर सी बात है सीमेंटेड कोट अगर यूज कर रहे हैं, भले ही वो बास्केटबॉल हो या आपका जो है बैडमिंटन हो, है ना, और बार बार आप जो यूज करेंगे उसको रेपिटेटिवली, तो आप जंप करेंगे तो उसमें हमारे लिगामेंट और जो है ज्वाइंट जा सकते हैं, है ना, यानी कि उसमें चोट लग सकती है। तो प्लेइंग सरफेस भी डिपेंड करता है, प्लेइंग सरफेस किस तरह का है, है ना। आप अगर हार्ड रोड रनिंग कर रहे हैं तब भी आपको चोट की संभावना ज्यादा रहती है, तो वो भी हमारा क्या है, एक्सटर्नल इंजरी, बाहर से लग रहा है चोट, ठीक है। तो उसके कोज के आधार पर अगर देखें, कोज मतलब कारण के आधार पर, तो ये दो प्रकार का है ना, कौन सा, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक, ठीक है, दो प्रकार के इंजरी है। अब हम आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैंने एक बार ये चीजें बता दी हैं, फिर भी मैं पीछे जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों का एक रिवीजन टाइप का हो जाए। अगर आपको लग रहा हो कि मैं टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा ले रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं स्विच करके आगे चला जाऊँगा अपनी मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या क्या आप चाहते हैं, इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं। मैं इसमें एक्चुअली जो हमारी जो मॉडरेटरीज होती हैं, कौन से तरीके होते हैं इन इंजरीज को सही करने के, वो मैं जरूर डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पहले इंजरी तो पता चले कि इंजरी कितने प्रकार की होती है। मोस्टली मैंने डिस्कशन किया हुआ है पहले से, ठीक है, पहले से मैंने डिस्कशन किया हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये बेनिफिट रहेगा। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टिश्यू के अकॉर्डिंग, टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना, टिश्यू के प्रकार अगर देखते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंजरी देखते हैं, तो वो भी हमारी दो प्रकार की है टिश्यू के टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहली कौन सी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है, और एक है हार्ड टिश्यू इंजरी, है ना। दो प्रकार की चोटें होती हैं अगर हम टिश्यू के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। कोई कमेंट नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना, तुरंत बताना, ठीक है। तो सॉफ्ट टिश्यू में क्या आता है हमारा, लिगामेंट, है ना, टेंडन,
ठीक है, या फिर मसल्स है ना, या स्किन, ठीक है, चार प्रकार के जो हमारे ये। राजू सब क्लियर है, कुलदीप सही चल रहा है, देवेंद्र ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू है, लिगामेंट है, टेंडन है, मसल्स है और स्किन है। इसकी इंजरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताऊंगा। पहले हम लोग जो है दूसरी तरफ हार्ट टिश्यू कौन कौन सी इंजरी होती है उसके बारे में मैं जरा बता देता हूँ आपको। हार्ट टिश्यू में हमारी क्या होती है, एक तो होती है हमारी कार्टिलेजियस जो हमारी इंजरी होती है ना, स्पेशली आर्टिकुलर कार्टिलेज वाली, है ना। दूसरा आता है हमारा बोन और जॉइंट्स, है ना, ये हार्ड टिश्यू में आ रहे हैं, ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू में आ रहे हैं, ठीक है। अगर लिगामेंट की ही बात करें तो लिगामेंट में कितने प्रकार के लिगामेंट है हमारे, है ना, हर एक जॉइंट में अलग अलग लिगामेंट है ना। लिगामेंट का मतलब होता है कोई ऐसा तंतु जो हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ठीक है। बोन टू बोन अगर कनेक्ट कर रहा है इट मीन दैट इज द लिगामेंट। और टेंडन क्या होता है, वो मसल्स टू बोन, ठीक है, मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है, और मसल्स मसल्स है ही है, और स्किन एक अलग से हमारा आवरण है, ठीक है। तो लिगामेंट कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि लिगामेंट किसको किससे जो है जॉइंट करता है, कई बार आया ये क्वेश्चन जो है पीजीटी पीजीटी में, है ना, सॉरी कई बार आया है जो है ये पीजीटी पीजीटी में कि वो लिगामेंट और कार्टिलेज दोनों का और टेंडन का भी आता है, है ना, कि टेंडन हमारा किसको किससे जोड़ता है, या फिर आएगा क्वेश्चन मांसपेशियों को और हड्डियों से जोड़ने वाला, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला तंतु कौन सा है, लिगामेंट है, टेंडन है, ठीक है, या फिर कार्टिलेज है, या फिर हमारी मांसपेशी है। ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, दिक्कत आती है, इसका हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, कभी भी आपको इधर उधर से नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में बताना चाह रहा था कौन सी हमारी इंजरी है, स्पेशली लिगामेंट, है ना। लिगामेंट में क्या है हमारा, लिगामेंट में आपको बताया था लिगामेंट की इंजरी होती है स्प्रेन, ठीक है, स्ट्रेन नहीं स्प्रेन, ठीक है। स्प्रेन में क्या होता है, ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री, है ना, स्प्रेन होता है, या फिर टीयर हो सकता है, टोन, लिगामेंट टोन या टीयर, फट जाना, टूट जाना, ठीक है, या फिर स्प्रेन हो जाना, स्नायु नहीं कहते, देवेंद्र देवेंद्र कह रहे हैं स्नायु, स्नायु नहीं है, स्नायु तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है भाई, स्नायु जो है इसमें नहीं आएगा, स्नायु की चोट इसमें नहीं है, स्नायु नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो स्पोर्ट्स इंजरी का पार्ट नहीं है, दैट इज द क्रिटिकल थिंग्स, है ना। तो स्प्रेन तीन प्रकार का है ना, ग्रेड वन, ग्रेड टू और ग्रेड थ्री, तीन प्रकार की चोटें मैंने आपको बताई थी। ग्रेड वन में केवल थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन होता है, चोट लगती है लेकिन थोड़ी सी रेडनेस हो जाती है, हल्की सी सूजन होती है, लेकिन हम दर्द के साथ में उस मूवमेंट को कर सकते हैं, है ना। ग्रेड टू में क्या होता है, चोट लगती है और थोड़ा सा पार्ट उसका डैमेज हो जाता है, एक दो जो उसके फाइबर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बाकी कंप्लीटली टीयर या कंप्लीटली टोन नहीं होता, ठीक है। जबकि ग्रेड थ्री में क्या होता है, कंप्लीटली टोन हो जाता है, लिगामेंट एक छोर से दूसरे छोर पे टूट जाता है, ऐसी कंडीशन में प्रॉपर जो टोटल जो मोबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, मोबिलिटी नहीं रहेगी, काम नहीं कर पाएगा इंसान, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अलग अलग इंजरी है। अच्छा, लिगामेंट के कुछ नाम भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, चोटों के अकॉर्डिंग, ठीक है। लिगामेंट के नाम में क्या क्या शामिल होता है, स्पेशली नी के लिगामेंट बहुत के बारे में बहुत पूछा जाता है, है ना। नी के लिगामेंट में कौन कौन से है, मैं आपको थोड़ा सा लिख देता हूं। नी, आप जो है इसको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं जब आप चाहें, जब भी स्क्रीन शॉट लाइक आ रहा है, साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है,
अब जरा कमेंट करते रहा करो, मुझे नहीं लगता कि शायद सब लोग कोई सुनी जा रही सुन रहा है। ठीक है चलिए, नंबर वन पे आता हमारा MCL, ये नी का लिगामेंट है। MCL क्या होता है? मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, फिर आता हमारा LCL, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। साफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आता हमारा जो है ACL। ACL क्या होता है? एंटीरियर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, MCL क्या होता है? मीडियल। LCL क्या होता है? लेटरल। ACL क्या होता है? एंटीरियर। ठीक है, और एक होता है PCL, PCL लिगामेंट, है ना। PCL क्या होता है? पोस्टीरियर, है ना, पोस्टीरियर कोलेटरल लिगामेंट। सबके साथ में कोलेटरल जुड़ा हुआ है लास्ट में लिगामेंट, है ना। ये मीडियल है, मीडियल कोलेटरल, लेटरल कोलेटरल, है ना, एंटीरियर कोलेटरल और पोस्टीरियर कोलेटरल, है ना। चार लिगामेंट है, ये सभी के सभी किसके हैं? नी के लिगामेंट हैं। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी बनाने का प्रयास करें तो आप समझ पाए हुए, ये मेरा एक बोन है और ये हमारी जो है दूसरी बोन है नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पर हमारी दो बोन होती है, टिबिया और फिबुला, है ना। ठीक है, ये जो साइड में जो इधर से यहां से निकल के आ रहे हैं, ये लिगामेंट इस यहां से लेके यहां से जोड़ रहे हैं। ठीक है, दैट इज द लेटरल, है ना, ये बाहर वाला। अगर ये अंदर की साइड है तो, अगर ये मिड लाइन है तो ये कौन सा हो गया? LCL, है ना, बाहर की तरफ वाला। और जो अंदर की तरफ वाला है वो हो गया MCL, है ना, मीडियल, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि मिड लाइन की तरफ वाली जो डायरेक्शन होती है उसे मीडियल बोलते हैं, और बाहर की तरफ की जो डायरेक्शन होती है उसे लेटरल बोलते हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारा एंटीरियर। एंटीरियर क्या होता है? ये जो है एक दूसरे से क्रॉस में भी ये जो है लिगामेंट जुड़े होते हैं, एक आगे की तरफ से और एक पीछे की साइड से। ठीक है, तो जो आगे की तरफ से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं ACL, और जो पीछे की तरफ से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं PCL, पोस्टीरियर। आगे की तरफ वाले को PCL और पीछे की तरफ वाले को पोस्टीरियर, ये एक दूसरे से क्रॉस में जुड़े होते हैं, है ना। अगर ये टूट जाए तो बहुत ही समस्या पैदा होती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिगामेंट टूटता है तो रिपेयर हो जाता है, लेकिन टाइम लगाता है। ये एक ऐसा सब्जी हमारा कंपोनेंट है, हमारा पार्ट है बॉडी का, जो बहुत टाइम लगाता है रिपेयरिंग होने में, क्योंकि उसकी वजह है कि यहाँ पर ब्लड वेसल्स की कमी होती है, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पहुँच रहे हैं रिपेयर करने के लिए वो ब्लड के द्वारा ही पहुँच रहे हैं, और ब्लड कम है वहाँ पर। ब्लड वेसल्स मतलब जो धमनियाँ हैं, जो केशिकाएं हैं, वो वहाँ पर कम है। जब वहाँ कम है तो कम पहुँचेंगी, मतलब उसका न्यूट्रिएंट्स सालों सालों लग जाते हैं उसको सही होने में। अगर कम्प्लीटली वाला है तो ग्रेड ग्रेड थ्री वाला तो सही नहीं होता। उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी रिपेयरिंग होती है और वो मांसपेशी से काट करके और उसे ड्रिल करके उसमें जो है बना करके आर्टिफिशियल एक लिगामेंट लगा दिया जाता है, वो अलग प्रक्रिया है, हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब दूसरा नंबर पे आता है हमारा, ये हुआ हमारा नी वाला, है ना, नी वाला। फिर आता है हमारा एंकल। एंकल में भी बहुत बड़ी समस्या आती है लिगामेंट से संबंधित। ठीक है, तो एंकल में भी ना लेटरल, बाहर की तरफ वाला और मीडियल, है ना, और एल्बो में भी होता है ये एंकल और एल्बो, लेटरल मीडियल दोनों हैं। ठीक है, दोनों में अलग अलग लिगामेंट है। ये जो है जितने भी हमारे जॉइंट हैं सभी जॉइंटों में इंजरी ऐसी हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में ये शामिल होती है। ठीक है, अब आते हैं हम टेंडन के ऊपर। ठीक है, टेंडन की जो इंजरी है उसे टेंडियोटाइटिस बोलते हैं। टेंडियोसाइटिस, ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलरली ये हमारा जो टेंडन है ना, कौन सा टेंडन बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है? एचिलीस,
है ना। एचडी टेंडन कहाँ होता है ना, काफ मसल से और हील जोड़ता है वो, काफ मसल टू हील है ना, टेडी में टेलस जिसे बोलते हैं हम, है ना, वहां जुड़ा होता है। तो टेंडनोसाइटिस है ये जो है, जितने भी टेंडन होते हैं उसकी इंजरी का पार्ट है। अब इसमें भी आप देखिएगा तीन चार तरह की अलग अलग इंजरी होती है, ठीक है, थोड़ा सा खिंच जाए, बहुत ज्यादा खिंच जाए, कंप्लीटली टूट जाए, उसमें भी ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री, ठीक है। फिर आता है हमारा मांसपेशियों पे, मांसपेशियों की इंजरी को हम स्पास्म, राजू कह रहे हैं फर्स्ट फिंगर के मिडल में लिगामेंट, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, फर्स्ट फिंगर के मिड में लिगामेंट होता है, बिल्कुल होता है, फिंगर के बीच में जितने भी जॉइंट पाए जाते हैं, है ना, मोस्टली द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन, है ना, उनमें क्या पाया जाता है, लिगामेंट होता ही होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिंगर्स हैं, जो हमारी फ्लैंजेज हैं, है ना, वो लॉन्ग बोन का ही हिस्सा है, आपको पता होगा ये चीज, तो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो उसमें भी जो जितने भी लगे जुड़े हुए हैं उनमें भी फिंगर में भी लिगामेंट होता है, और ये इंजरी भी बहुत ज्यादा होती है ना, स्पेशली बास्केटबॉल वाले या हैंडबॉल वाले या वॉलीबॉल वाले खिलाड़ियों के साथ में, क्योंकि डायरेक्टली बॉल आकर के यहाँ पर हिट करती है, ठीक है। मसल्स में क्या है, मसल्स स्पाज्म, ये मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आपको, टेंडोसाइटिस के बाद में आता है मसल्स स्पाज्म, है ना, जैसे हम क्रैम्प या स्ट्रेन, है ना, तीन अलग अलग चीजें हैं ये, है ना, ये मसल्स में होती हैं। और स्किन की आपको बताइए क्या क्या होता है, हमारा एब्रेजन, है ना, आपको बताया था, ठीक है, एब्रेजन होता है, इसमें लैक्रेशन होता है, ठीक है, या फिर एब्लूजन होता है, ये सभी जो नॉर्मल चीजें सभी मांसपेशियों में होती हैं वो स्किन में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज के बारे में। फिर आते हैं हम पर्टिकुलरली आप नोट करके इसमें हार्ट टिश्यू में, है ना, हार्ट टिश्यू की इंजरीज के बारे में आपको बताऊं, पर्टिकुलरली जो आर्टिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज है ना, है ना, कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, जनरली मैं मेरे ख्याल से पहले डिस्कस क्यों हुआ है, जल्दी से एक बार जरा कमेंट करके देखो, मैं सोचता हूँ आप लोग कितने, हाँ बता दो, नाम भी बता दो देवेंद्र, नाम भी बता दीजिए, तीनों के नाम बता दीजिए, वेरी गुड। कार्टिलेज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, बताइए बताइए, देवेंद्र बॉक्सर और देवेंद्र जुड़ वाले दोनों ही लोग जुड़े हुए मेरे ख्याल से यहाँ पर, इलास्टिक और फाइबरस और हाइलिन, वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है, तीन प्रकार के हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और फाइबरस कार्टिलेज, गुड, ठीक है। तो ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसे फाइबरस कार्टिलेज क्यों कहते हैं, कौन सा कार्टिलेज है, फाइबरस, है ना, आर्टिकुलर को फाइबरस भी है, आर्टिकुलर मतलब जाल बनाने वाला हो गया ये, है ना, जाली दवा नुमा हो सकता है इसको बोल सकते हैं। तो ये जनरली सबकोंडाइलर में, है ना, एपिकोंडाइल से बोलते हैं, एपिकोंडाइल से बोलते हैं, एपिकोंडाइल में भी ये हो सकता है, वहीं की इंजरी है ये स्पेशली, ठीक है। और ये दूसरी इसमें आता है ऑस्टियोआर्थ्रोसिस, है ना, जो बनियन वाली आपको बताई थी, बनियन, हाँ अनु बिल्कुल, बोर्ड तीन होते हैं, बनियन मैंने आपको बताई थी, एक बनियन जो बीमारी है क्या है वो, कौन सी क्या प्रॉब्लम होती है उसमें बताइए, आपको याद होगा थोड़ा सा, बनियन क्या होती है, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। हाँ हाइलिन इलास्टिक तो हो गया अनु, ठीक है आगे, बनियन, बनियन बीमारी मैंने आपको बताई थी, बी यू एन आई ओ एन,
ये मेरे ख्याल से कल ही डिस्कशन किया था हम लोगों ने, कमेंट करके बताइए जरा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पढ़ते नहीं हो आप, पढ़ आप देखोगे पीछे आगे पीछे। बताइए बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी, कमेंट करिए, देखता हूँ कितने लोग इसके कमेंट देते हैं, पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते मालूम नहीं, है ना। मैंने आपको बताया था ये जो है जॉइंट में एक हड्डी बढ़ने की वजह है बनियन, पता क्यों नहीं है भाई बॉक्सर, कल कल का लेक्चर देखे उठा के, उसमें है बनियन दिया था कि नहीं दिया था, ठीक है। अंगूठे की हड्डी बढ़ जाती है हमारी, ठीक है, स्पेशली जॉइंटों में, या जॉइंट हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, है ना, जगह जगह पर जहाँ जॉइंट होते हैं उनमें हल्का सा गुम्बा टाइप का निकल आता है ना, दैट इज द बनियन, है ना। और ये क्या है, आर्थराइटिस की एक समस्या हो सकती है, है ना। आर्थराइटिस में हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं, हड्डियां बढ़ करके टेढ़ी होने लगती हैं, तो सेम ये हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज की ही बीमारी है, ऑस्टियोआर्थ्राइटिस, है ना। तो ये हमारी हार्ट टिश्यू की बीमारी है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आता है हमारा बोन पम्प, बोन में क्या है फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के फ्रैक्चर अलग अलग होते हैं, दिखाई दे रहा है क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं दे रहे तुम लोग रेस्पॉन्स, पता है शायद पढ़ते नहीं हो, चलिए ठीक है। तो फिर आता है हमारा जॉइंट्स, और जॉइंट्स में हमारी जो इंजरी होती है वो कौन सी होती है, डिसलोकेशन, है ना, डिसलोकेशन, है ना। तो ये हमारी पर्टिकुलरली टाइप ऑफ टिश्यू के अकॉर्डिंग हमारी जो अलग अलग जो है बीमारियां हैं, ठीक है। वैसे मैं इस पर पहले डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरे ख्याल से नए जुड़े हैं हमारे साथ में, ठीक है। फ्रैक्चर में भी आपको चार पांच तरह के फ्रैक्चर थे, ऑब्लिक फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टेक फ्रैक्चर है, कंपाउंड है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कम्यूटेड है, कम्यूटेड एक दूसरे में अंदर चले जाते हैं, हाँ आर्थराइटिस जैसी होती है, बिल्कुल कुलदीप सही, काफी देर में रपना जा रहा है, क्या बात है। फिर आता है हमारा जॉइंट्स, है ना, जॉइंट्स में डिसलोकेशन, और डिसलोकेशन भी दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है डिसलोकेशन, दो प्रकार का, है ना, लक्सेशन और सबलक्सेशन, है ना, मैंने बताया था आपको, और सबलक्सेशन, ठीक है। लक्सेशन होता है कंप्लीटली डिसलोकेट हो जाना, है ना, जॉइंट का हड्डियों का एक दूसरे से जैसे जुड़ी हुई है वो अलग हो जाना, एकदम से अलग हो जाना, ठीक है, ये क्या है हमारा लक्सेशन। और सबलक्सेशन क्या है, हल्का सा जो है मूवमेंट आगे पीछे होगा, हल्का सा ये ऐसे हो गया, ठीक है, या फिर ये जो हुआ हल्का सा खिसक के आगे पीछे चला गया, ऐसे चला गया, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम जुड़ा रहता है वो, है ना। उनके जो कार्टिलेज होते हैं, जो लिगामेंट होते हैं, वो इंजर्ड नहीं होते, मतलब इंजर्ड का मतलब है इंजर्ड तो होते हैं लेकिन वो टूटते नहीं, अलग नहीं होते, ठीक है, जबकि लक्सेशन में वो अलग भी हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन हमारी जॉइंट की है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, ठीक है। हमारे मेन टॉपिक में हमने शामिल किया हुआ है कि आज किस प्रकार से हमारी थेरापेटिक मॉडलिटीज यूज होती हैं, ठीक है। मैं इसको जरा खत्म कर देता हूं, जब तक आप एक क्वेश्चन जरा मुझे ढूंढ के बताइए, ठीक है, कि जो थेरापेटिक मॉडलिटी है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ठीक है, जरा ढूंढ लीजिए फटाफट जल्दी से। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग अपने, लेकिन फिर भी चोटें किस प्रकार से हमारी जो है सही होती हैं। राजू कह रहे हैं सबलक्सेशन ज्यादातर बच्चों में होता है, बिल्कुल सही बात है, बच्चों में ही होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है इसीलिए। हाँ बताइए जल्दी से फटाफट जल्दी से। नहीं, ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रिंसिपल है,
ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब ट्रांसफर हीट का मतलब है कि जहां पर ज्यादा हीट की आवश्यकता है वहां ज्यादा हीट दी जाए, या कम हीट की आवश्यकता है, हीट को कम करने की आवश्यकता है, वहां कम हीट दी जाए, ठीक है, हीट को कम किया जाए। तो ऐसे प्रकार, ऐसे जो चिकित्साएं हैं जिनमें हीट को कंट्रोल किया जाता है, वो हमारी क्या होती है, थेरापेटिक मॉडलिटीज, यानी कि उन उपचारों को करने के विधियां, है ना, उसके उपकरण हम उसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में जानते हैं। हीट ही मान लीजिए आप जो है ऊष्मा कह सकते हो, हीट को क्या होता है, ऊष्मा, ऊष्मा की परिभाषा क्या है, बहुत छोटी परिभाषा है, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना, अगर आपको याद हो तो जरा बताइए। 1 ग्राम जल का तापमान 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने में जो ऊष्मा लगती है उसे 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं, है ना, जो ऊर्जा लगती है उसे ऊष्मा, यानी कि ताप बढ़ाना या कम करना, ठीक है, कम होने या बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है हमारी। अब इसके जो है मोड है हमारे, अलग अलग ट्रांसफर करने के तरीके हैं अलग अलग, है ना, उसके बारे में बहुत ही कम डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे, जरूरी है जानना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें से, मैं आप चीज़ें बता रहा हूँ, क्वेश्चन आता क्या है कि कोई भी एक थेरापेटिक मॉडलिटी देगा, सपोज करिए कंट्रास्ट बाथ दे दिया, तो वो पूछेगा कंट्रास्ट बाथ में जो ऊष्मा है व्यक्ति के, मरीज के शरीर तक किस प्रकार से पहुंचती है, उसका माध्यम क्या है, या मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, उसका ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इसका किस प्रकार से हो रहा है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी हमारा इससे वो नहीं ज्यादा ताल्लुक। तो सबसे पहली जो है दैट इज द रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, विकिरण, है ना, विकिरण एक तरीका है जो ऊर्जा को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, यानी कि विकिरण में होता क्या है कि किसी चीज को अगर हम गर्म में या कम पिंड में रखते हैं, कोई भी चीज है हमारी, है ना, किसी अधिक या गर्म पिंड वाली चीज ऑब्जेक्ट है हमारा, ये अधिक गर्म वाला जो है इसमें लाइट ज्यादा है, हीटेड है, और दूसरी तरफ हमारा ये कोल्ड है, है ना, तो जो ऊष्मा है वो हमेशा अधिक से कम की तरफ ट्रांसफर होगी, बट किसके द्वारा, नॉन कॉन्टैक्ट के द्वारा, है ना, ड्यू टू द नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट नहीं है, बट क्या है ये, एक यहां से इसका रेज निकल रही है और वो रेज सीधी कहां तक पहुंच रही है, यहां तक पहुंच रही है, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, रेडिएशन हो गया, इसे बोलते हैं रेडिएशन, विकिरण, है ना, सूर्य से अर्थ को जो ऊष्मा मिलती है वो इसी के द्वारा मिलती है, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है। बहुत सारी और भी ऐसी मॉडलिटीज हैं, है ना, जैसे हम किसी रेड लैंप से, है ना, इंफ्रारेड लैंप से अगर सिकाई करते हैं तो इंफ्रारेड दूर से लाइट देती है और हमारे बॉडी के पार्ट जहां होता है, यानी कि बीच में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, उसका रेडिएशन के द्वारा हो रहा है। तो ऐसी कुछ पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, है ना, कि इस वाले माध्यम में, है ना, ऊर्जा कहाँ से कहाँ और किस प्रकार से जाती है, ये तो हो गया रेडिएशन। दूसरा होता है हमारा कंडक्शन, है ना, इसको हम बोलते हैं संचारण, है ना, ये था हमारा विकिरण और ये हमारा संचारण। संचारण क्या होता है, देखिएगा, पदार्थों में सीधे संपर्क में आया, है ना, ये चीज गर्म थी, कुछ भी चीज है ये गर्म है, अगर आप इसको डायरेक्टली इसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा तुरंत ही इससे यहां दूसरे की तरफ चली जाती है, यानी कि कॉन्टेक्ट होने पर, है ना, इसमें होता क्या है कि एक अणु दूसरे अणु को ऊष्मा ट्रांसफर कर देता है, यहां ज्यादा है यहां कम है यहां कम है यहां कम है यहां कम है, लेकिन ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, यहां रेडिएशन से नहीं कंडक्शन से जाती है, कंडक्शन बोलते हैं इसको, है ना। तो बहुत सारी ऐसी विधियां जिनमें हम जो है कॉन्टैक्ट लगा करके, बॉडी कॉन्टैक्ट के द्वारा ऊर्जा को कम करते हैं या बढ़ाते हैं, है ना, ऊष्मा को कम करते हैं बढ़ाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, कंडक्शन टेक्निक कहलाती है, है ना, उसे कंडक्शन कहते हैं हीट ट्रांसफर को। फिर आता हमारा कन्वेंशन, ठीक है,
बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन चार पांच जो टैब वो है वो लिख दूंगा मैं, ये दो तीन कन्वेंशन है ना, इसको बोलते हैं संवहन है ना। कन्वेंशन क्या होता है, जो ये जो है स्पेशली लिक्विड में होता है, लिक्विड्स में जो द्रव होते हैं उनमें ये होता है कि एक बर्तन है ये, अगर हम इसको हम गर्म करते हैं ठीक है, तो जो पानी के कण हैं है ना वो यहाँ से ऊर्जा लेकर के और ऊपर की तरफ चले जाते हैं और ठंडे वाले वापस यहाँ आ जाते हैं, यानी कि जो ठंडे कण हैं वो नीचे चले जाएंगे और वो ऊपर चले जाएंगे, इस प्रकार से ये क्या है घूमते रहते हैं है ना। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, बारी बारी से जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ तक आएंगे वापस चले जाएंगे वापस आएंगे है ना, सेम कंडीशन है ना। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनमें जो हीट ट्रांसफर है, हमारी बॉडी को जो हीट मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है, कन्वेंशन के द्वारा मिलती है ठीक है। सेम कंडीशन किस प्रकार से कि वर्लपूल है या कंट्रास्ट बात है, उसमें भी कन्वेंशन ही यूज होता है ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का ठीक है। फिर आता है हमारा जो है कन्वर्जन, चौथा पॉइंट है हमारा कन्वर्जन। ऐसे तीन ही प्रकार के माध्यम है, हाँ कॉन्ट्रास्ट बात, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट ठीक है। फिर आता है कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन मतलब है ऊर्जा को बदल के एक रूप से दूसरे ऊर्जा रूप में बदल दिया जाए है ना, जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना, तापीय ऊर्जा को जो है दूसरी ऊर्जा में वाष्प में बदल देना, गैस में बदल देना है ना, यानी कि हीट को कन्वर्ट करने के बाद यूज करते हैं। स्पेशली जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोथेरेपी है वो इसी माध्यम से दी जाती है ना, क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके और मैकेनिकल में लेकर के आते हैं ठीक है। देवना कह रहा है सर में कौन सी थेरेपी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देवेंद्र का क्लियर नहीं होता है, पूरा क्वेश्चन किया करो बेटा, हम लोग कोई भगवान तो नहीं जो आपके मन की बात समझ लेंगे, लेकिन फिर भी आप जो है पूरा क्वेश्चन बताने का प्रयास किया करो है ना, कि सूरज सूरज में सन में कौन सी एनर्जी है, मतलब सूरज में है कौन सी एनर्जी ठीक है, सबका अलग अलग है। ये कह रहे हैं सबकी इन सबकी माँ, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, इन सब की माँ कोई थेरेपी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसमें मतलब मदर ऑफ द थेरेपी बोला जाए इसको ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबका अपना पर्टिकुलरली अपना अपना रोल है ठीक है। वैसे हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी मतलब सबसे पुरानी थेरेपी है, बहुत ज़्यादा प्राचीन समय से इसका यूज होता रहा है। हिप्पोक्रेट्स वो एक फिजिशियंस थे एथेंस में, वो इसका यूज करते थे, उस समय से इसका यूज हो रहा है हिप्पोक्रेट्स के टाइम से ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पुरानी ही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मदर ऑफ द थेरेपीज है ठीक है। तो ये चार प्रकार हैं इसके जनरली ठीक है। अब मैं जो है पर्टिकुलरली अपने टॉपिक पे आता हूँ है ना, एक चीज और भी है इसमें, एवोपरेशन भी होता है ना, इवेपोरेशन ना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण भी ऊर्जा को कन्वर्ट करता है ठीक है। स्पेशली जो स्प्रे वगैरह होती हैं है ना, स्प्रे लगाते हैं तो बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, वो क्या होता है ऊर्जा ट्रांसफर होती है उसकी वजह से, वही उसमें हमारा प्रिंसिपल्स है। अब आते हैं हम एक एक करके अपने थेरेपीज की तरफ पढ़ते हैं ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है अब तक, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपर पूछा करो ढंग से, अगर मेरी संतुष्ट हो देवेंद्र मेरी आंसर से तो बता देना, आवाज प्रॉपर है नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं कि आवाज आप लोगों के पास कम पहुंच रही है, अगर आवाज कम पहुंच रही है तो बता देना, वैसे मैंने प्रयास किया है दोनों चीजें क्लियर होंगी आपको। और सबसे पहली जो मॉडलिटीज है That is the contrast bath या hydrotherapy। इसमें कई प्रकार की अलग अलग थेरेपी बताता हूं मैं आपको। हाइड्रो
देखो इसमें हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी हाँ हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी है ना, एक्सरसाइज थेरेपी फिजियोथेरेपी एक ही बात है। ठीक है स्पेशली ये तीन हैं है ना। हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, जल चिकित्सा, पानी की सहायता से अगर किसी का इलाज किया जाए। ठीक है और इलेक्ट्रोथेरेपी बिजली की सहायता से किसी का इलाज किया जाए। ठीक है फिजियोथेरेपी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा किसी का इलाज किया जाए है ना, ये मेन है। उसके बाद में फिर हमारा इसमें दो प्रकार और होते हैं है ना, एक होता है हमारा क्रायोथेरेपी है ना और एक होता है हमारा थर्मोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या है हमारा, ठंडी चिकित्सा। ठीक है और थर्मोथेरेपी क्या है, गर्म चिकित्सा। ठीक है ये दोनों में हो सकती है ना, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है और फिजियोथेरेपी में क्या होता है हमारा, पर्टिकुलरली एक्टिव और पैसिव है ना। आई होप सो क्लियर हो रहा हो आप लोगों को। ठीक है अब एक एक करके हम इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कंट्रास्ट बाथ। ठंडा गर्म स्नान हो सकते हैं इसको, है ना, हॉट एंड कोल्ड इमर्शन थेरेपी कह सकते हैं इसको, है ना। इसके कुछ इंडिकेशंस हैं, इसमें दो चीजें होती हैं हमेशा ध्यान रखना, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब ये जो चिकित्सा है ये जो थेरेपी है वो क्यों दी जानी चाहिए या किन किन परिस्थितियों में इसको दिया जा सकता है। ठीक है और दूसरे होते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कब हम इसको नहीं दे सकते, यानी कि किन परिस्थितियों में ये थेरेपी देना वर्जित है। ठीक है तो नंबर वन पे आता है इंडिकेशन में कि स्वेलिंग अगर हमें कम करनी है ना, रिड्यूसिंग स्वेलिंग। ठीक है फिर आता हमारा मसल्स रिकवरी के लिए, है ना। फिर आता है स्ट्रेन या स्प्रेन, दोनों में स्ट्रेन और स्प्रेन। ठीक है या फिर अगर हमारे एक्यूट इंजरी लगती है, एक्यूट इंजरी के बाद में आफ्टर 72 आवर्स, है ना, 72 आवर्स आफ्टर एक्यूट इंजरी। ठीक है यानी कि जो हमारे चोट लगी है उस चोट के लगभग 72 घंटे बाद, है ना, आवर्स है After 72 hours, है ना? ये इन conditions में हम जो है contrast bath दे सकते हैं, सूजन कम करने के लिए, मांसपेशी की recovery के लिए, strain sprain में, है ना, 72 घंटे बाद कोई acute injury लगती है तो, है ना? अभी कभी-कभी इसमें से question किस प्रकार से पूछता है ना? कि sprain में, है ना? कौन सी चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाएगा? या contrast bath का प्रयोग इनमें से किस में किया जाएगा? या चोट लगने के 72 घंटे बाद किस चिकित्सा का प्रयोग किया जाएगा, है ना। ये बहुत छोटे बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं, ये कभी भी आ सकते हैं,
अब इसमें एक चीज और देखते हैं, एक कंट्रा इंडिकेशंस भी इसमें कुछ है ना, कि कब हम एक्टिविटीज को, कब इन थेरेपीज को प्रयोग में नहीं ला सकते, अदरवाइज हमें फायदा होने के बजाय और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा, कोई भी अगर हमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है ना, जो अचानक से गर्मी दो अचानक से ठंडा पानी डालो, तो उसमें ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से संबंधित कोई भी अगर बीमारी है तो आप इसको नहीं देंगे। ठीक है, पहले मालूम कर लेते हैं आपको हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार संबंधित कोई हिस्ट्री है उसकी, कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको जान लेना जरूरी है। ठीक है, फिर आता है हमारा इम्पेयर्ड सेंसेशन, ठीक है, उसकी स्किन में कोई पर्टिकुलरली ठंडा लगने की वजह से या गर्म लगने की वजह से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाता है, कोई उसको एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई एलर्जी है कि ठंडे पानी से एलर्जी हो या गर्म पानी से एलर्जी हो, पर्टिकुलरली कुछ लोगों में वेरिकोज वेन की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वेरिकोज वेन मतलब उनकी जो नसें हैं वो निकल आती हैं ठंडे पानी की वजह से, है ना, ठंडे पानी में रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं वैसे ही नसें भी वहाँ निकल आती हैं, तो ऐसे लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, और क्या है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही हो वहां नहीं देना है ना, चोट लगी है लेकिन ब्लीडिंग हो रही है वहां पर इसको नहीं देना है। ठीक है, और क्या देना है, बहुत ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन हो, कैसा, एक्यूट ताजा रक्त स्राव हो रहा हो, हिमोरेज हो, वहां पर हम इसको नहीं देंगे, है ना, चोट तो उसके लगी है लेकिन उसका अभी ये खून बह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, खून बहने की कंडीशन में कंट्रास्ट वाल्व नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज वो सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो हीमोरेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किसके, कंट्रास्ट वाल्व के। अब इसको हम दिया कैसे जाएगा, जनरली मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आप बता देना मेरे को, कमेंट कर देना, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो देख लेना, मुझे लगा शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं दूसरा तरीका देखूं, आप लोगों को कमेंट आना बंद हो जाते हैं, मुझे लगा शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा या फिर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है वैसे बैठे हुए। हाँ चलिए, इसमें देखो दो दो वाटर होते हैं, दो टब होते हैं, है ना, एक होता है हॉट टब और एक होता है हमारा कोल्ड, है ना, ये होता है कोल्ड, बारी बारी से हम अपने पास भर के रख लेते हैं दोनों को, एक में पानी होगा हमारा ठंडा और एक में होगा हमारा गर्म। ठीक है, जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर को हम ल्यूक वाल्व भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर है 37 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा हॉट वाटर का टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि जला दे, कितना होगा 37 से 40, समझ में आ रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, यानी कि अगर हम फारेनहाइट में बात करें तो 100 से लेकर के 110 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और जो कोल्ड वाटर हमारे पास है, हाँ, जो ठंडा पानी है उसका होगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि 59 डिग्री फारेनहाइट से लेकर के और 70 डिग्री फारेनहाइट तक, समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक है, ये डिग्रियां, ये टेम्परेचर का है, ये जरूर याद कर लेना, कभी कभी इस टेम्परेचर को पूछ लेता है कि कंट्रास्ट बाथ में गर्म पानी का टेम्परेचर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए या कंट्रास्ट बाथ में ठंडे पानी का टेम्परेचर कितने से ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस चीज को पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, फिर इसका रेशियो ध्यान रखते हैं, होल्ड इसका जो है हॉट और कोल्ड का रेशियो का मतलब है कि कितने देर तक इसमें देना है और कितने देर तक इसमें देना है, बारी बारी होती है इसकी, इसमें पर्टिकुलरली जो रेशियो रहता है हॉट रेशियो कोल्ड का रहता है, हॉट रेशियो कोल्ड ये रहता हमारा 4:1 से लेकर के 5:1 तक। ठीक है, यानी कि अगर हम 4 मिनट गर्म पानी में
दबा कर अपने पार्ट को, तो फिर एक मिनट तक ठंडे पानी में, ठीक है। ये बारी बारी से, ये डिपेंड करता है हमारी सीवर सिटी क्या है। बहुत ज्यादा सीवर है तो ज्यादा समय के लिए, है ना, और अगर कम है सीवर तो कम समय के लिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिपेंड करता है इंजरी के अकॉर्डिंग। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कंट्रास्ट बात है उसमें जो है जो शुरुआत है ना वो ठंडे पानी से होती है या गर्म पानी से होती है, ठीक है। तो मोस्टली जो इंजरीज हैं, सबका एक जैसा नहीं बता रहा हूं, सबका एक जैसा नहीं होता, ठीक है। मोस्टली जो इंजरीज है उसमें कंट्रास्ट बात में जो शुरुआत होती है वो ठंडे पानी से होती है ना, यानी कि मोस्टली जो है कोल्ड टू कोल्ड, है ना। कोल्ड टू कोल्ड का मतलब यह है कि शुरुआत भी स्टार्ट भी इसी से होगा और एंड भी इसी से होगा। स्टार्ट के टाइम पे भी ठंडे पानी से शुरुआत करेंगे और जब खत्म कर रहे होंगे तब भी हम जो है ठंडे पानी से ही आप अपने बॉडी पार्ट्स को बाहर निकालेंगे मोस्टली, है ना। बिगेन एंड विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। और इसका पर्टिकुलरली टाइम रहता है, ठीक है। अगर हमें क्रोनिक इंजरी है, ये तो मोस्टली चीजों में है, अगर कोई क्रोनिक है, गंभीर अगर चोट हमारी लगी हुई है, क्रोनिक है, तो फिर हमारा हॉट से शुरुआत होगी, है ना, हॉट से शुरुआत होगी और कोल्ड में फिनिश होगा। स्टार्ट विद हॉट एंड फिनिश विद कोल्ड, ठीक है। इसमें टाइमिंग रहती है कितना, 2 मिनट का हॉट, ठीक है, और 1 मिनट का कोल्ड। क्रॉनिक की बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा ड्यूरेशन, है ना। ये जो रेशियो है ये नॉर्मल में है, नॉर्मल इंजरीज में है, ठीक है। अगर क्रॉनिक इंजरी है बहुत ज्यादा, इसी के लिए रिकमेंड किया हुआ है कि यही आपको करना है, ठीक है, तो फिर हॉट से शुरुआत करेंगे और ठंडे पे करेंगे। लेकिन अगर ज्यादातर नॉर्मल है तो फिर ठंडे से शुरुआत करेंगे, ठंडे पे ही खत्म करते हैं। ये सीक्वेंस पूछ लेता है कि ठंडे से शुरुआत करेंगे या गर्म से शुरू करेंगे, डिपेंड करता है चोट के अकॉर्डिंग। अगर वो कोई ये नहीं कहता वो क्रॉनिक इंजरी या एक्यूट है, वो नाम नहीं मेंशन कर रहा, तो आप जो है मोस्टली किसको मानेंगे, नॉर्मल इंजरी को मानेंगे। अगर वो गंभीर रोग के लिए बात कर रहा है, गंभीर चोट के लिए बात कर रहा है, क्रॉनिक चोट के लिए बात कर रहा है, तो फिर स्टार्ट हॉट से होगी और लास्ट हमारा कोल्ड पे होगा, ठीक है। टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितना होता है, 15 से 30 मिनट, 15 to 30 मिनट टोटल ड्यूरेशन, ठीक है। आप इसी रेशियो में क्या करेंगे, लगभग 15 से 30 मिनट तक ये बारी बारी से कभी ठंडा कभी गर्म, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, ये जो है यूज करते रहेंगे। आर्थराइटिस में थोड़ा सा इसमें अलग है, अगर कोई इंजरी आर्थराइटिस वाली है किसी को, तो फिर ये जो है इसकी दोनों ही चीजें इसमें नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, इक्वल रेशियो रहता है 1:1 का, 1 मिनट ठंडा 1 मिनट गर्म है, आर्थराइटिस वाला है तो, ठीक है, अदरवाइज बाकी सबके लिए ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा जो है अगला, इसके कंट्रास्ट बात के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, एनी क्वेश्चन कमेंट करिए। देवेंद्र और आर क्लियर,
रिवेंद्र कह रहे हैं बुक में जो टेम्परेचर दे रखा है बुक में क्या वो सही है? अब बुक कौन सी है वो देख लो पहले आप, इसे वेरीफाई कर लेना एक बार गूगल से निकाल करके, है ना, गूगल में जो टेम्परेचर दे रखे हैं इसके कंट्रास्ट बात के वो सही है मेरे ख्याल से। आइस बात अलग चीज है ना, वो मैं अभी उसी चीज पर आऊंगा, एक एक करके सभी का डिस्कशन करूंगा मैं, चिंता मत करिए, सबके लिए अलग मॉडलिटीज है, ठीक है तलवीर? ओके, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम जो दूसरी हमारी चिकित्सा है, दैट इज द वॉल फूल। वर्लपूल बाथ भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको इमर्सन बाथ भी कहते हैं। ठीक है, वर्लपूल आपका मतलब समझते हो, वर्लपूल का मतलब होता है भंवर, भंवर स्नान, हिंदी में इसका नाम होता है भंवर स्नान। ठीक है, अब भंवर चिकित्सा क्या है? ठंडे पानी की एक मसाज है, या तो ठंडे की हो सकती है, इमर्सन का मतलब ठंडा भी होता है गर्म भी होता है, ये डिपेंड करता है हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, सर्कुलेशन बढ़ाना है या सर्कुलेशन कम करना है। ठीक है, तो पानी का यूज इसमें होता है सिंपली, मैं आपको बहुत छोटा बता रहा हूँ इसमें। तो पहले तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक जो है एक टब, बहुत बड़ा टब यूज होता है इसमें, जिसमें पूरा व्यक्ति डूब जाए, और इसमें कई सारी जेट, दो या दो से ज्यादा जेट पंप लगी होती है, इलेक्ट्रिकल थेरेपी है अगर देखा जाए ऐसे तो, है ना, हाइड्रो भी है और इलेक्ट्रिकल भी है, जहाँ जेट लगे होते हैं, वो जेट क्या करते हैं, इसी में से पानी लेते हैं और इसी में से पानी को इसको जो है प्रेशर से मारते हैं। तो जब पानी यहीं से आ रहा है, यहीं से वापस वापस जाएगा, तो ये क्या होगा, पानी घूमने लगेगा, ठीक है, भंवर बन जाएगा उसमें, है ना। और पर्टिकुलरली उसका उद्देश्य क्या होता है इसका, कि हमें ठंडा भी देना है और वहां मसाज भी करनी है, कहां पर, जहां भी हमारी चोट लगी है। और वो मसाज कैसी, डायरेक्ट रबिंग वाली नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कोल्ड की, है ना। तो पानी भी मसाज कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले जो है पानी से ही मसाज की शुरुआत हुई थी, कि वो हिप्पोक्रेट्स ने जो शुरुआत किया था, उन्होंने क्या कहता, झरने को यूज करते थे वो, झरना, है ना, जो स्प्रिंग होते हैं, झरना गिरते हैं, झरने के नीचे ले जाकर बड़ी जगह खड़ा करते थे, जो ऊपर से पानी गिरता था उससे उसकी मसाज होती थी, वो एक ट्रीटमेंट का काम करता था। ये अभी से नहीं, बहुत पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं, इंडिया में भी ऐसा होता रहा है। ठीक है राजू, वर्लपूल बाथ यूज फॉर एक्यूट इंजरीज, हाँ बिल्कुल, है ना, एक्यूट के लिए भी यूज किया जाता है और ये क्रोनिक में भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी एक्यूट है ना, ओपन बाउंड में कम से कम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ओपन बाउंड में कम से कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है जो बंद होते हैं, क्लोज बाउंड होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशली उन इंजरी में इसका इस्तेमाल नहीं करते जहां पर मसाज करना मना होता है। जब मसाज करना मना है तो फिर जाहिर सी बात है ये भी एक पानी की मसाज है। ठीक है, तो इसे भी फिर नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, इसमें तीन चार तरह के होते हैं ये, है ना, जो वर्लपूल है तीन चार तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है लो बॉडी, लो बॉडी टैंक, लो बॉडी मतलब जो वो है कमर तक का, केवल कमर तक का ही आप उसमें डूब सकते हैं, यानी कि या फिर लेट जाएंगे या कुछ भी करें, लेकिन कमर तक ही जा सकते हैं। फिर आता है हमारा हाई बॉडी टैंक, है ना, हाई बॉडी में क्या आता है, पूरा गर्दन तक वो उसमें अंदर जा सकता है। ठीक है, फिर आता है हब्बार्ड, लेटने वाला, है ना, हब्बार्ड वाला फुल बॉडी इमर्सन वाला है। और एक आता है एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी मतलब पर्टिकुलरली जिस चीज की इलाज करना है उसी के लिए अलग से बनाए जाते हैं, जैसे कंधा है, है ना, कंधे का है, कोहनी का है, या कलाई का है ना, या एक पैर का है
ना, या केवल और केवल आपको यहाँ पर लेनी है और बाकी कहीं पर भी मसाज नहीं लेनी है ना, पेल्विस गर्डर पर लेनी है, तो अलग अलग पर्टिकुलरली एक्सट्रीमिटी के अकॉर्डिंग वो डिजाइन किए जाते हैं ना। इसका साइज अलग अलग प्रकार का हो सकता है ना, कुछ बैठने के लिए होते हैं, कुछ खड़े होने के लिए होते हैं, कुछ लेटने के लेटने के लिए होते हैं। जनरली जो इसका टैंक है ना वो लगभग 10 से 45 गैलन पानी आ सकता है इसमें, ठीक है, नियर अबाउट 200 लीटर, ठीक है। अगर हम बड़े वाले की बात करते हैं, लगभग लंबाई 8x6 और लगभग 4 फिट में होती है, 8 फिट लंबा, 6 फिट चौड़ा और 4 फिट का गहरा, इतना हो सकता है मैक्सिमम, इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। अच्छा, इसमें भी टेम्परेचर डिपेंड करता है पानी का, क्या हॉट अगर वर्लपूल दे रहे हैं या फिर कोल्ड वर्लपूल दे रहे हैं, ये डिपेंड करता है दोनों ही सिचुएशंस में, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलरली एक टेम्परेचर है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा हॉट का रहेगा कौन सा गर्म का रहेगा, ये तो रही साइज की बात, ठीक है। तो अगर एक्यूट इंजरी हमारी एक्यूट है तो जो कोल्ड है ना वो 55 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, ठीक है। और अगर एक्यूट में ही इन्फ्लेमेशन नहीं है ना, ये तो विद इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन भी है, एक्यूट के साथ में सूजन भी है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा उसको ज्यादा रखेंगे। और अगर सूजन नहीं है केवल एक्यूट है तो उसको थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा देंगे, कितना 65 से लेकर के और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, इसमें थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर सूजन नहीं है तो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, और अगर सूजन है तो ठंडा रखेंगे उसको, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ ना जाए, ठीक है। और जो टेपिड वाटर होता है, टेपिड वाटर कौन सा होता है, अगर हमें मसाज भी करनी है ना, नॉर्मल अगर हमारी इंजरी है, हमें कोई ऐसा डर नहीं है कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन होगा तो हमारा हीमोरेज वगैरह हो जाएगा या फिर हमारी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, टेपिड वाटर यानी कि गुनगुना, टेपिड वाटर का जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है हमारा 80 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अगर वहीं हम जो है बाहर की बात करें, गर्म पानी की बात करें ना, तो गर्म पानी किसके लिए होता है, मोबिलिटीज को यूज करने के लिए, जैसे हमारी बॉडी स्टिफनेस आ गई है और उसमें हमें मोबिलिटी करनी है, व्यायाम वगैरह करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो उस कंडीशन में जो बर्फ होगा हमारा 96 डिग्री से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर वो करना है हमें, एक्सरसाइज करनी है उसमें रूम के लिए, रेंज ऑफ मोशन के लिए, या पेन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, या फिर स्टिफनेस है ना, स्टिफनेस है, तो फिर पानी का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा कोल्डिंग अगर कंडीशन है, ठीक है, तो इस टेम्परेचर को और बढ़ा सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 104 से लेकर के और 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फॉर क्रोनिक क्रोनिक इंजरीज, क्रोनिक अगर गंभीर चोटें हैं ना, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, हाँ बिल्कुल 99 है, 104 है, ये अलग अलग है सबके लिए, क्रोनिक है कैसी चोट हमारी कैसी है, ये क्रोनिक की बात चल रही है, क्रोनिक में थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्रोनिक का मतलब है पुरानी चोट हो गई है, गंभीर चोट हो गई है, तो उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा डर नहीं है कि किस प्रकार का हमें दिक्कत आएगी, ठीक है। अब हमें इसके कुछ इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशंस के बारे में जान लेते हैं कि किस स्थिति में इसको हम दे सकते हैं और किन स्थितियों में हम इसको नहीं दे सकते, ठीक है, हटा देता हूं मैं इसको। इंडिकेशन
और कॉन्ट्राइंडिकेशन। है ना, इंडिकेशन में क्या क्या शामिल होता है? एनी थेरेपी डिपेंड्स ऑन इंजरी टाइप। हर एक कोई भी थेरेपी है वो इंजरी के अकॉर्डिंग ही है भाई। कौन सी इंजरी है, कितनी ज्यादा इंजरी है, तो कितना ज्यादा हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। अगर हम इंजरी के हिसाब से अगर थेरेपी मॉडलिटी को सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर हमें वो चोट बढ़ाने वाली लगेगी। इंडिकेशन क्या है? सबसे नंबर वन पे पुअर सर्कुलेशन, ठीक है, अगर रक्त का प्रवाह कम हो रहा हो, ठीक है, रक्त का प्रवाह कम हो, अगर उसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं बल्बो थेरेपी, ठीक है। क्रोनिक एडिमा में दे सकते हैं, है ना, थोड़ा सा सूजन है बहुत ज्यादा उसमें दे सकते हैं, है ना। सेपरेट डेड टिश्यू, है ना, जो मृत ऊतक हैं उनको हटाने के लिए, ठीक है, जब पुरानी चोट हो जाए उस कंडीशन में, ठीक है। पेन रिलीफ में दे सकते हैं, दर्द से निजात पाने के लिए भी, ठीक है। प्लास्टर निकालने के बाद आफ्टर रिमूव प्लास्टर, है ना, और जॉइंट की स्टिफनेस में दे सकते हैं, ठीक है, और इन्फेक्टेड बाउंड में दे सकते हैं, जो घाव इन्फेक्शन हो गया हो वहां भी दे सकते हैं, हाँ, बट उसमें उसके लिए हम क्या करेंगे कि उस पानी में वो डाल लेंगे एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक जो हमारे केमिकल्स हैं वो हम उसमें डाल लेंगे, ठीक है। आर्थराइटिस में भी दे सकते हैं, है ना, या स्वेलिंग में भी दे सकते हैं। मोस्टली जगह पर ये बर्फूल यूज होता है, ठीक है, मसाज के तौर पे भी दे सकते हैं, एज मसाज के रूप में भी दे सकते हैं, ठीक है। किन परिस्थितियों में नहीं दे सकते, है ना, ये तो हो गई हमारी कब कब दे सकते हैं, इंडिकेशंस क्या है, ठीक है, कब नहीं दे सकते वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कोई फीवर हो किसी को, फीवर में बिल्कुल भी आप जो है ये थेरेपी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। फिर आता हमारा स्किन ग्राफ्ट, अगर किसी ने आपको जो है सर्जरी कराई हो, स्किन की सर्जरी कराई हो, कॉस्मेटिक सर्जरी, है ना, तो वहां नहीं दे सकते, ठीक है। किसी को कोई सर्कुलेशन संबंधित कोई बीमारी हो, है ना, जैसा कि उसमें था हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, नहीं देंगे, ठीक है। फिर आता हमारा बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग में नहीं देंगे, है ना। फिर आता हमारा खुला घाव, ओपन बाउंड, है ना, ओपन बाउंड हो, ओपन बाउंड के थोड़े से वो हैं, ओपन बाउंड, है ना, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये है कि ओपन बाउंड अगर पुराना हो गया है और हमें डेड टिश्यू हटाने हो तो उसका स्थिति में हम इसको दे सकते हैं, अदरवाइज वो भी किसके साथ में, एंटीसेप्टिक के साथ, है ना। हीमोरेज हो रहा हो,
ना एक्टिव ब्लीडिंग या हिमोरेज खून निकल रहा है उस स्थिति में नहीं देंगे, और कोई स्किन एलर्जी है, स्किन एलर्जी है तब भी नहीं देंगे। ये हमारे कुछ इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन है किन स्थितियों में हम देंगे और किन स्थितियों में हम उसको वर्लपूल को नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, है ना, इसके बारे में एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुका है वो, ठीक है, कि जो वर्लपूल थेरेपी है उसका आविष्कार किसने किया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जो बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है, आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो कैसे कैसे पता चलेगा आपको, है ना। चलिए बता देता हूँ जो लोग भी हैं उनके लिए, वर्लपूल इन्वेंटेड बाय ना जाकुजी ब्रदर का नाम आता है इसमें, जाकुजी ब्रदर्स, जाकुजी ब्रदर्स INC, ये एक कंपनी है, फैक्ट्री है, ध्यान रखिएगा जाकुजी ब्रदर्स क्या है, एक फैक्ट्री है, और उसमें के उसमें से जो है ये एक जाकुजी फैमिली थी, उस फैमिली में सभी यही बिजनेस होता था पूरा इक्विपमेंट बनाने का, मेडिकल इक्विपमेंट, उन्हीं में से एक इनके जो दो भाई थे उन्होंने इसका निर्माण किया था, और वो थे कैंडिडो जाकुजी ठीक है एंड जियो कोंडो जाकुजी, ये दो भाई थे, इन्होंने जो है 1949 में वर्लपूल का आविष्कार किया था, है ना। तो अभी इनको क्या क्या है, जाकुजी के नाम से भी इनको इस वर्लपूल थेरेपी को जाना जाता है, वर्लपूल थेरेपी भी सेम क्या जाकुजी, जाकुजी थेरेपी इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा वर्लपूल के बारे में, है ना, थोड़ा सा टाइम हुआ है, थोड़ा डेटा वेटा कम हो रहा होगा आप लोगों का, है ना। अभी जो बाकी की जो कुछ टेक्निक्स हैं उसको मैं कल डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है, एक घंटा डेली, ठीक है। अभी इसमें दो हमारी जो थेरेपी मॉडलिटीज हुई हैं, एक तो हमारी कंठस्थ, फिर वर्लपूल, ठीक है। अभी इसमें क्रायोथेरेपी है ना, उसमें थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी में बहुत सारी रह गई हैं, ठीक है, उसका हम भी डिस्कशन हम धीरे धीरे करके करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगले के लिए मिलते हैं कल। ठीक है, देवेंद्र कह रहे हैं मीट पे पढ़ा देना, शाम को 9 बजे मिलते हैं, फिर मीट पे 9 बजे का टाइम, ठीक है, शाम को बताइए। हाँ बाकी सभी को बधाई देना, वो कले भूल गए हम लोग, हमें है ना, सबसे पहले तो बाकी सभी को बहुत बहुत बधाई उसको इंडियन कोच में सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। उनका टॉपिक भी मेरे ख्याल से तुम्हारा रह गया है फेंसिंग का, वो क्लियर हुआ था नहीं हुआ था मुझे पता नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं रहा बताने का, अगर बाकी सभी आज हों तो जरूर ले लें उसको टॉपिक को शाम को 9 बजे फेंसिंग वाले को, क्या क्या इसमें होता है, क्या इसकी स्किल होती है ना? और कोई कोई क्वेश्चन कोई भी किसी प्रकार का इससे संबंधित, चलिए ठीक है, तो आज के लिए